झुंझुनू का मुकुंदगढ़ कस्बा आज बंद रहा। वैसे तो महीने के अंतिम दिन अधिकतर बाजार बंद रहता है, लेकिन 25-26 जनवरी की दरमियान रात को हुई चोरी के विरोध में आज इस बंद में अनाज व्यापारी भी शामिल हो गए। आज बंद को देखते हुए व्यापारियों ने आपात बैठक भी बुलाई, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश सिंगरौदिया और कैलाश मुंद्रा ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई है। ऐसे में बंद की सूचना पर मुकुंदगढ़ SHO भंवर सिंह पुनिया भी व्यापारियों के बीच बैठक में पहुंचे। उन्होंने समझाइश की। SHO ने अब तक की प्रगति रिपोर्ट बताई और कहा कि वे जल्द ही मामले का राजफाश कर देंगे, जिस पर व्यापारियों ने अब पुलिस को 7 दिन का समय दिया है। यदि 7 दिन में मामले का राजफाश करने में पुलिस असफल रहती है तो व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि 25-26 जनवरी के दरमियान रात को मंडी में एक साथ 13 जगहों के ताले तोड़कर चोरी हो गई थी। इसमें 9 व्यापारिक प्रतिष्ठान थे तो शेष गोदाम व उनके ऊपर छत की सीढ़ियां भी शामिल थी।